बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में ये चार काम ज़रूर करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में सकीना बहन आपको बताएंगी कि वो कौन से चार काम हैं जो माह रमज़ान में आपको ज़रूर करने चाहिए। जी सकीना बहन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रमज़ान में ये चार काम ज़रूर करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपसे वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए वो चार काम कि जिनको करने से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बेहद खुश होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमज़ान मुबारक के महीने में चार काम कसरत से किया करो। दो तो ऐसी हैं कि उनसे अल्लाह ताला को खुश कर दोगे और दो ऐसी हैं कि तुमको भी उनसे चारा नहीं। वो दो बातें जिनसे तुम अल्लाह को खुश कर दोगे वो ये है कि इस महीने में कसरत से कलमा शहादत तो अस्तगफार पढ़ा करो, और दो बातें जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि अल्लाह ताला से जन्नत तलब किया करो और दोज़ख से पनाह मांगा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के महीने में शब और रोज़ जो दुआ कसरत से पढ़ते रहे वो ये है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार। तर्जमा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश चाहती हूँ, या अल्लाह तुझी से जन्नत का सवाल करती हूँ और जहन्नुम से पनाह चाहती हूँ। हमारे सिलसिले के तमाम बुजुर्ग फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हर काम को इबादत समझ कर किया करो, उसको करने से अल्लाह ताला की ज़ात बेहद खुश होती है, अल्लाह पाक का उन पर खसूसी करम होना शुरू हो जाता है। आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इन चार कामों को इबादत समझ कर किया करें। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक इस अमल को करने वाले और दूसरों तक पहुंचाने वाले पर अपना खुसूसी करम फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सकीना बहन। नाज़रीन, आप भी माह रमज़ान में ये चार काम ज़रूर करें, मुमकिन है कि अल्लाह की ज़ात आपकी इसी अदा से खुश होकर आप पर राज़ी हो जाएं। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक बा आसानी पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।